हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। जी हाँ, आज मैं आपको लेके आया हूँ शम्मन बाजार, जंगपुरा, भोगर, नई दिल्ली। जी हाँ, जहाँ पर सफाई कर्मी शशि का जोरदार स्वागत। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कोरोना के इस महायुद्ध में लगातार चौथे लॉकडाउन की समाप्ति तक शशि सफाई कर्मी ने अपना सहयोग और योगदान और जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया, वही कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के पूरे RW के लोग, मार्केट के लोग और मीडिया के, न्यू दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज ने पहुंच करके कोरोना वायरस योद्धा की सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। वहीं आप देख सकते हैं जिस प्रकार से फूलों, नोटों और तालियों की गड़गड़ाहट से लगातार स्वागत समारोह चला आ रहा है। जो आप देख सकते हैं शशि कुमार वही है जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं लेकिन सफाई कार्य में कार्यरत हैं, लेकिन वही ये देखा जाता है कि इतना शिक्षित आदमी जहाँ भी रहेगा कहीं ना कहीं अपने शिक्षा का उपयोग कर समाज को अपना व्यक्तिगत रुचि तो दर्शा ही सकता है। वैसे ही हैं शशि कुमार, जिन्होंने अपनी डिग्री का इस्तेमाल किया और वहीं इस कोरोना की महामारी में जो इन्होंने योगदान दिया है। इनका कहना है कि हमने अपनी ड्यूटी निभाया, हमने किसी पर आसान नहीं किया है। जिस तरीके से इस पूरे मार्केट में लोग उत्साहित हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं, कई लोगों ने तो ये बोला कि ये भगवान के माफिक है जो हमारी रक्षा किया। आइए हम सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के RW और यहाँ के समस्त नागरिकों का। मैं अपने तय दिल से धन्यवाद करूँ, ये क्षण मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाऊँगा। जिस प्रकार मेरा स्वागत किया गया है उससे मैं बहुत काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं सभी का, समस्त यहाँ के नागरिक और RW और सभी भाई दुकानदारों का धन्यवाद करता हूँ अपने मन से, सभी रिहायशी इलाकों लोगों का। जिस प्रकार मैंने अपना कर्तव्य करा है उन लोगों ने मुझे मान दिया, इसके लिए सदैव उनका आभारी रहूँगा। सर कोरोना से क्या डरना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस इलाके में हमारी भीड़ है जो उसको स्वस्थ करना वो हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि हमने किसी के ऊपर आभार, किसी के ऊपर एहसान करा, ये हमारी ड्यूटी बनती है। सर का तहे दिल के स्वागत करते हैं और डेली इनके साथ मिलके इनका हौसला बढ़ाया जा रहा था कि तुम्हारे साथ एक ना एक दिन ऐसा हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस कोरोना की महामारी ने इसने संडे तक में ड्यूटी दी है। एल पवनेश चौहान, यहाँ जितने भी हमारी एसोसिएशन है, जितने शॉपकीपर्स, मार्केट और हमारे तमाम लोगों ने शशि के लिए नहीं, क्योंकि इसने कोरोना के टाइम में अपने तन मन धन से जितना भी इसने अपना समय दिया, इसका कर्तव्य, इसकी ड्यूटी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कूड़े से डरते हैं। इन लोगों को सही मायने में हमारे जो यहाँ के रेजिडेंस वालों ने आज स्वागत करा है, स्वागत करके उन्होंने दिखा दिया कि शशि तू यहाँ का बेटा है। एक ग्रेजुएट पर्सन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास होने के बावजूद एक स्वीपर का काम करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है। अपने आप को, अपने परिवार को ना देखते हुए इसने तमाम भोगल निवासियों की तहे दिल से सफाई द्वारा अपनी सेवा दी है। उसी लिहाज से अब एक तमाम भोगल निवासी इसको एक अपने आशीर्वाद के रूप में, कि इससे एक प्रेरणा मिले सभी लोगों को कि ऐसे योद्धा जो अपना अपने आप को न देख के, इन सच केस इसे भी कुछ हो सकता था, लेकिन इसने अपने परिवार को न देख के पूरे देश को, पूरे भोगल निवासियों को देखा, अपना कर्तव्य समझ के, हम तहे दिल से शशि का धन्यवाद करते हैं। और कोई इसको अपने माल द्वारा, अपने आशीर्वाद द्वारा जैसे भी इसको समर्पित करता है, मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा अपने अपने घरों के बाहर आकर इस बच्चे का हौसला अफजाई करें, जिसने अपना एक भगवान के रूप में लेता हूँ, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी, जो हमारा प्रशासन ने जो काम किया है, हमारे मंदिर वगैरह बंद थे उस समय, तो मैंने पहले भी लिखा है कि मंदिर इसलिए बंद है क्योंकि भगवान हमारे सड़कों पे, हमारे प्रशासन के, हमारे सफाई के रूप में और हमारे डॉक्टर और पुलिस वाले के रूप में हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, कि कोई इतनी अपनी जान पर खेलकर उसको काम कर रहा है, इसके लिए इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे हैं, सुबह 5 बजे आ जाते हैं और पूरा सफाई करते हैं, कोई एब्सेंट नहीं होती इनकी, डेली आते हैं बिगर किसी उसके। इन्होंने बिल्कुल कोरोना लॉकडाउन रहा लेकिन एक दिन भी छुट्टी नहीं की। इनकी जो है मेहनत को देखते हुए सब लोगों ने ये फैसला किया कि इनका भव्य स्वागत किया जाए।